छोड़ का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 13 है बांसुरी का जादू। प्रस्तुत कहानी एक बालक की कहानी है, एक लड़के की कहानी है। यह बालक जो है वह बहुत बुद्धिमान रहता है और बहुत चतुर भी रहता है, चालाक भी रहता है। और उस लड़के का नाम मनुवा रहता है। और वह मनुवा जो है वह एक भेड़ चराने वाला लड़का है। वह प्रतिदिन खेत में जाता है और अपनी भेड़ को चराता है। एक दिन क्या हुआ कि वह अपनी भेड़ लेकर खेत में गया। उस समय उसके दिमाग में एक बात सूझी कि वह जब भी अपने सर पे टोपी रखता था और टोपी में एक फल लगा हुआ रहता कि अचानक एक दिन उसने क्या किया कि अपनी टोपी को हवा में उछाला और बहुत खुश होकर बोलने लगा कि मैंने पहेली बूझ ली, मैंने पहेली बूझ ली। ऐसा वह शोर मचा ही रहा था कि अचानक उस रास्ते से एक घुड़सवार आया और जैसे ही वह उस लड़के के सामने आया कि वह घोड़ा उसकी आवाज को सुनकर उछलने लगा और कूदने लगा। घुड़सवार ने क्या किया, उस लड़के को बुलाकर बोला कि अरे लड़का, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, जो मेरा घोड़ा जो है वह संभाल नहीं खा रहा, मैं इसे संभाल नहीं पाता हूँ। घुड़सवार गुस्से में आने लगा क्योंकि घोड़ा पर काबू पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसने चिल्लाकर कहा, ओ लड़के, क्यों शोर मचा रहे हो जिसके कारण मेरा घोड़ा जो है वह अस्थिर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। घुड़सवार ने बोला, तुम यहाँ भेड़ चराने आए हो या शोर मचाने आए हो? मनुवा बोला, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया हूँ। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाकर अपनी टोपी क्यों फेंकी? उस घुड़सवार ने पूछा कि अगर तुम जानबूझकर नहीं किया तो फिर तुमने अपनी टोपी को क्यों उछाला जिसको देखकर मेरा घोड़ा इतना डर गया है? क्योंकि तो मनुवा ने जवाब देता दिया कि मैं आज बहुत प्रसन्न था जिसके कारण मैंने अपनी टोपी को हवा में उछाल दिया। क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता का कारण जान सकता हूँ? किसने पूछा? तो घुड़सवार ने पूछा कि मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इतने प्रसन्न आज क्यों दिख रहे हो? तो मनुवा ने बोला कि इसलिए कि मैंने अपनी पहेली सुलझा ली। तो घुड़सवार को भी आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कौन सा पहेली है जिसे वह सुलझा कर इतना खुश है, कैसी पहेली? घुड़सवार ने उसे पूछा, भाई कौन सी पहेली है, कैसी पहेली है जिसको जानकर तुम इतना प्रसन्नचित हो, वह क्या वस्तु है? तो मनुवा ने उस घुड़सवार से पहेली के बारे में बताया कि वह क्या वस्तु है जो आदमी से ऊंची और मुर्गे से छोटी है। मनुवा ने पूछा उस घुड़सवार से, घुड़सवार सोच में डूब गया कि भाई यह कौन सी पहेली है, भाई कौन सा ऐसा बात हो सकता है जो आदमी से ऊंचा भी हो और मुर्गी से छोटा हो, यानी छोटी सी मुर्गी जो है उससे आदमी से ऊंचा है, मुर्गी से छोटा, भाई ऐसा कौन सा वस्तु हो सकता है? अंत में उसने हार मानते हुए कहा, किसने? घुड़सवार ने हार मानते हुए मनुवा से कहा कि मैं तो नहीं जानता, अगर तुम जानते हो तो तुम ही मुझे बता दो। तो मनुवा ने कहा, जवाब दिया कि साहब, जवाब मेरी यह है, वह है टोपी। यह टोपी है जो मुर्गे से छोटी है, मगर जब सिर पर उसको रखा जाता है तो वह आदमी से ऊंची हो जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि मुर्गी छोटी होगी, उस पर अगर टोपी को डाल दिया जाए तो छोटा ही दिखेगा, और आदमी तो बहुत बड़ा होता है, अगर उस पर से टोपी सर पे डाल दिया जाए तो आदमी से ऊंचा जरूर दिखाई देगा। तो यह उसकी मनुवा की बुद्धिमानी की बात थी और यही पहेली को वह बोल बोल कर बहुत खुश हो रहा था, उत्सुक हो रहा था, और घुड़सवार को भी यही पहेली के बारे में बताया। वाह, घुड़सवार बोलता है कि वाह, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। घुड़सवार ने मनुवा से कहा कि तुम बहुत अक्लमंद हो, मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा यदि तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी भेड़ दे दो। यानी उस घुड़सवार ने मनुवा से बोला कि तुम अपनी सबसे अच्छी अगर भेड़ दे देते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं इसी रास्ते से फिर वापस आऊंगा, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि भेड़ ना काली हो, न उजली हो, न पीली हो, न नीली हो, यानी कोई भी रंग का ना हो, न उजली हो, न काली हो। यानी इस तरह से घुड़सवार ने भी मनुवा को चकित करने वाली बात की कि भाई ऐसा कौन सा भेड़ का कलर होगा जो कि कोई न लाल हो, न काला हो, न उजला हो, न भूरा हो, भाई कौन सा ऐसा कलर होगा? तो इसका जवाब मनुवा ने भी सोच लिया था। वह बोला कि ठीक है साहब, आपको भेड़ मैं अवश्य ही दूंगा, सबसे अच्छी भेड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं भेड़ को न रविवार को दूंगा, न सोमवार को, न मंगलवार को, न बुधवार,
बुधवार को, न बृहस्पतिवार को, न शुक्रवार को, न शनिवार को, यानी कोई भी दिन न हो उस दिन आप आइएगा, मैं आपको अवश्य भेंट दे दूंगा। इसके बाद क्या हुआ तो लेकिन अधिक चाला ये, इसके बाद इसके अतिरिक्त आप कोई भी दिन आइए, यानी मरुआ ने उस घुड़सवार से कहा कि कोई भी दिन का नाम नहीं लिया, लेकिन इस दिन के अतिरिक्त कोई दिन और हो। यानी सोचने वाली बात है कि ये सप्ताह में तो सात ही दिन होते हैं भाई, दूसरा कौन सा दिन होगा। यानी जब जैसा घुड़सवार का प्रश्न था उसी के अनुकूल उसने तुरंत से हाजिर जवाबी होकर, यानी तुरंत उसके मस्तिष्क में यह बात मैंने समझ में आ जाती है कि मैं भी ऐसा सवाल करूं, तो ये बुद्धिमानी की बात हुई। तो ऐसा सवाल मरुआ ने कर दिया, तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं, यानी वो साढ़े सात दिन को छोड़कर। मरुआ के उत्तर से घुड़सवार खुश हो गया और उसने एक सुनहरे रंग की जादुई बांसुरी उसे दी। किसे? मरुआ को दी सुनहरे रंग की बांसुरी और कहा कि यह मेरा अमूल्य भेंट है तुम्हारे लिए, और तुम जितने अच्छे जवाब देते हो उतनी ही मधुर बांसुरी की भी बजाना, बांसुरी की भी आवाज है और तुम भी इस बांसुरी को उतने ही अच्छे ढंग से बजाना, इससे तुम्हारी हर इच्छाएं पूर्ण होगी। यानी कि वह जादुई बांसुरी रहा होगा। तो मनुआ चकित होकर घुड़सवार को देखने लगा, लेकिन अधिक लालच मत करना। देखते होंगे कि कहानी समय भी सुने होगा कि कोई भी जादुई चीज है और वह उस पर जरूर कोई पाबंदी होती है, अगर उस पाबंदी को आप पार कर गए तो उसका जादू समाप्त हो जाता है। यही बात घुड़सवार ने मनुआ से कहा कि लेकिन तुम मन की इच्छा तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगी, लेकिन तुम जो है इससे ज्यादा लालच उलच मत करना, लालची मनकर कुछ मांगना नहीं। तो बांसुरी का जादू अगर तुम अगर कुछ ज्यादा करके मांगोगे तो इस बांसुरी की जादू जो है वह समाप्त हो जाएगी। और घुड़सवार ने ऐसा कहकर चल दिया। मनुआ ने खुश होकर घुड़सवार को एक भेद भी उपहार में दिया और घुड़सवार ने उसे आशीर्वाद देकर चला। तो यही आपका जादू की बांसुरी का जादू था। और चैप्टर में आपने यह पढ़ा कि बुद्धिमानी से व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से वह हाजिर जवाबी होकर मनुआ ने घुड़सवार का दिल जीत लिया और उसने घुड़सवार से भी इनाम पाया। तो यही कहानी था, इसको आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। धन्यवाद।